सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट पीपी थर्टी वाला, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज वेरी न्यू डे और सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गुलमर्ग की ओर। गुलमर्ग के ठंड की वजह से इसने टी शर्ट डाल रखी है जन्नत। तो अगर स्नोफॉल हुई तो इसकी चांदी हो जाएगी। कितनी फोटो? फोटो कम से कम 300-400 फोटो करेंगे। बोल रहा है एक साल फोटो डालनी है लगातार। अगले साल आएंगे ना सर्दी के सीजन में जब पूरी स्नोफॉल होगी। तो चलो अभी क्या है कि बाइक पे मिलेंगे आप लोगों को, बाइक के चेन लूप करते हैं और फिर निकलते हैं गुलमर्ग की तरफ। सामान बांधते हैं और निकलते हैं टुवर्ड्स गुलमर्ग। अभी हमें पता चला कि गुलमर्ग में इतना ज्यादा रश है, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। इट्स टाइम टू लीव श्रीनगर। पूरी मार्केट लगती है डेली बेसिस पे यहाँ पे, ऐसे ही हर एक पुल के पास। तो हमने काफ़ी लोकल भी घूम लिया अभी, तो काफ़ी ज़्यादा पता चल गया है श्रीनगर के बारे में। भाई साहब सामने ले रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 427 किलोमीटर। अगर हमें जाना हो ले तो दूसरे दिन में हम लोग ले पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी रोड्स अभी तक रोड बंद पड़े। अभी तो हम सोनमर्ग भी नहीं जा सकते। आज बोल रहे हैं कि सोनमर्ग भी रास्ता बंद हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम जाएंगे गुलमर्ग। यहाँ से 48 किलोमीटर। एक दिन जरूर आएगा जब हम लेह लद्दाख की हसीन वादियों को देखकर आएंगे। तो लो जी वो देखिए सामने बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन और पीछे एक माउंटेन, बिल्कुल सफेद पहाड़। भाई साहब रास्ते में कहीं पे रुके थे फोटोग्राफी करने के लिए और पूरी चमक आ रही है फेस पे भैया। वेदर ही कुछ ऐसा है, क्या ग्लो आ रहा है भाई फेस पे। ये बंदा जाके खड़ा हो गया, कहता है पहले मेरी फोटो करो बाकी काम बाद में करो। पूरी है वो तो यार, इतनी दूर आए हैं फोटो के लिए आए हैं हम। अरे भाई तू फोटो के लिए आया था? हम तो पहाड़ देखने के लिए आए हैं भाई साहब। अभी पीछे अगर आप कभी भी आ रहे हो तो पीछे ना लोग हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऊपर स्नो शूज जरूरी है जाने के लिए, सूट जरूरी है। वो आपसे 400-500 रुपये लेंगे कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सोनमर्ग की तरफ गुलमर्ग की तरफ, तो इन लोगों की बातों में मत आ जाना। तो आर्मी का काफिले के लिए रोड साइड पे रोक दिया जाता है गाड़ियों को जब आर्मी ने गुजरना होता है यहाँ से, जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। ज़रूरी भी है उनकी सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज उनकी लाइफ काफ़ी रिस्की होती है यहाँ पे। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आर्मी वाले कहीं जा रहे हैं तो हम अपना व्हीकल साइड कर दें, उनके आगे ना लेके आएँ, बिकॉज उनको कई बार जल्दबाजी भी होती है कहीं जाने की। सो हेयर वी रीच्ड एट गुलमर्ग। इस साहब सारा का सारा स्नो कवर्ड एरिया है, लेकिन होटल हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज सारे के सारे होटल फुल पैक्ड है। किसी अभी जा रहे हैं इन विलेजेस में किसी होटल में पता करने चले, मेन पॉइंट्स पे कोई भी होटल फ्री नहीं है। सीन कुछ ऐसा है, साहब इतना पांव चला गया है बर्फ में और अभी तक यहाँ जाकर नहीं देखा हमने। ये देखिए। तो दोस्तों हमने फाइनली एक घंटा धक्के खाने के बाद होटल ले लिया है। ये मेरा सामान पड़ा और ये हैं हरमन जी, तैयार होके बैठे हैं, कब से बोल रहे हैं मेरी फोटोज करो। और ये बैठे हैं तैयार ही नहीं हो रहे फोटो करने के लिए बाहर इसकी। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। ये रिसेप्शन होटल की, तो ये बाहर का सीन है भैया। स्नो शीट व्हाइट चादर। Thank you.
भाई साहब हमारे स्नोमैन बना रहे हैं। फ्रेश टाइम 5:30 हो चुका है और हम लोगों ने बहुत सी फोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर ली है, जो वो सभी आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम आईडी पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इंस्टाग्राम आईडी का। 6-7 दिन हो गए घर से आए हुए, तो अभी मन कर रहा है कि घर में जाएं, बिकॉज इतने ज़्यादा काम छोड़ के आए वो सारे करने पड़ेंगे। तो अभी जल्दी से जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, बिकॉज सुबह से हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और सारा दिन यहीं पर गुजर गया। कर दो ये बोल रहा है, ये रही हमारी जेड प्लस सिक्योरिटी। और तो ऐसे लगता है इग्नू घर में पड़े हैं। इग्नू टाइम पास के लिए, इग्नू है, इग्नू नहीं, इग्नू बहुत दिन हो गए निकले हुए। तो चलो अब इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सेफ जर्नी, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। ये फंबल मारेंगे इंग्लिश में, थोड़ी सी इंग्लिश बोलना। गुड नाइट एंड विद स्वीट ड्रीम्स, आई होप विश यू वेरी वेरी नाइस डे, नाइस डे यू वेरी वेरी नाइस डे, नाइस नाइट। तो चलो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में।